उपचुनाव का घमासान जारी है, नामांकन का दौर चल रहा है और आज समाजवादी पार्टी के दो और बीएसपी के एक प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी ने नामांकन किया है तो फूलपुर से मोहम्मद मुश्तबा ने एसपी से पर्चा भरा है। बात अगर कांग्रेस की करें तो जिस फूलपुर सीट पर मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी कह रही है कि कांग्रेस जो कहेगी उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अब यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं संजय निषाद जेपी नड्डा से मिलने के बाद मान गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक सीट पर बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार उतर सकता है और इसी घमासान के बीच वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। नौ सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर यूपी में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लिस्ट फाइनल करने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी उम्मीदवार अपना पर्चा भर रहे हैं। कानपुर के सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने पर्चा भरा। इस दौरान वो परिजनों के साथ रोती हुई रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तक पहुंची। दरअसल सीसामऊ सीट उनके पति इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण खाली हुई थी। वहीं प्रयागराज के फूलपुर से सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी ने भी नामांकन किया, लेकिन उनके कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और हंगामे के बीच उन्होंने अपना पर्चा भरा। पूरा परिवार मेरे साथ में है, मेरी सीसामऊ की जनता भी सब मेरे साथ में है, बस एक इंसान नहीं है, बाकी सब मेरे साथ है। इस बात का बस थोड़ा सा हमें दुख है। अब मैदान में आए हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर चुनौती को कामयाबी से कर सकें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि अब मुझे तो हर पार्टी से फाइट करना है, लेकिन हम हमेशा अपने हमारा जो है नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो जो निर्णय अभी उन्होंने निर्णय किया कि आपको लड़ना हम लड़ रहे हैं, अगर निर्णय कर दें कि नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, उसमें कोई विवाद नहीं है। इसलिए जो इन्होंने उठाया है का नाम मुद्दा कि हम लड़ रहे हैं, अगर लड़ रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला करेंगे हम मान गए, अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा फैसला नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर अभी तक सस्पेंस है, क्योंकि जिस फूलपुर सीट की मांग कांग्रेस कर रही थी उस पर एसपी उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस का उपचुनाव से बाहर होना तय माना जा रहा है। हालांकि एसपी का कहना है कि फैसला कांग्रेस को करना है, हमने प्रस्ताव भेज दिया है। जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात चल रही थी उसके संबंध में समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव प्रपोजल पे अपनी राय और अपना प्रस्ताव भेज दिया था और हमारी पार्टी को इंतजार है, उनकी तरफ से अगर एक्सेप्टेंस होगी तो वो घोषित हो जाएगा और उसमें जो भी आगे पीछे एडजस्ट करना होगा वो समाजवादी पार्टी कर लेगी। इधर बीजेपी की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है, सिर्फ नामों की घोषणा बाकी है। संजय निषाद भी जेपी नड्डा से मिलकर गोटी सेट कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक निषाद पार्टी दो सीट की डिमांड कर रही थी। सूत्रों की माने तो मझभा या कटेहरी किसी एक सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत चाहते हैं और अपने सामाजिक मुद्दों को हल चाहते हैं और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए और जीत का जो नौ सीट है वो हम लोग सभी नौ की नौ जीते हैं उसके लिए बातचीत चर्चा हुई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे निर्णय। गठबंधन तो फाइनल है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा, लड़ेंगे जीतेंगे, हरियाणा जैसे फिर परिणाम भी देंगे। इधर उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच वाक युद्ध भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एसपी का कहना है कि बीजेपी के जीत के दावे पहले भी फेल हुए, इस बार भी फेल होंगे, तो बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में नेता नहीं जनता जीत तय करती है। मैं समझती हूँ बीजेपी का दावा तो ये भी था कि 80 में से 80 निकालेंगे, तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं चुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। इस तरह की बातें जनता तय करती है, हम लोग तय नहीं करते। लोकतंत्र में जनादेश, जनता जनार्दन का
आशीर्वाद वो सर्वोपरि है। चुनाव आ गया है, अब क्या 13 तारीख को मतदान है, काउंटिंग भी हो जाएगी, नाई नाई कितने बार सब सामने आ जाएंगे। इन सब के बीच बीएसपी के प्रत्याशी भी नामांकन में जुटे हैं। मुरादाबाद के कुंदर की सीट से बीएसपी प्रत्याशी रफतुल्ला ने नामांकन किया और जीत का दावा किया। जाहिर है चुनाव में हर नेता जीत का दावा करते हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि सत्ता किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।